में कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान कहती है। तो ये सब पढ़े हुए आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 8th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन वहां पावर में 2, 3 होते थे, यहाँ 4, 5 आए हैं। तो द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके बनाना, याद है आपको 98 का पावर 5 निकालना है यहाँ। तो आप याद है कैसे 9th क्लास में अगर 98 का पावर 2 होता था तो इसको लिखते थे आप 100 - 2, है ना, ऐसे लिखते थे ना। अगर मान लीजिए 98 का पावर 2 रहता था 9th क्लास में, याद आपको, तो इसको लिखते थे 100 - 2 का होल स्क्वायर और यहाँ फॉर्मूला लगा देते। तो उसी तरह 100 - 2 का पावर 5 और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a - x का पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 5c0 100 का पावर 5 गुणा में 2 का पावर 0 माइनस 5c1 100 का पावर 4 और गुना में 2 का पावर 1 प्लस 5c2 100 का पावर 3 और गुना में 2 का पावर 2, चलिए माइनस 5c3 100 का पावर 2 और 2 का क्यूब प्लस 5c4 100 का पावर 1 और 2 का पावर 4 माइनस 5c5 100 का पावर 0 और 2 का पावर 5। समझ गए, अब इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन दिएगा ना, इसको आप कैसे लिखेंगे, 100 + 1 का पावर 4, इसको तोड़ दीजिएगा उसी तरह से। जैसे 5 नंबर आते, इसको क्या लिखेंगे, 1000 - 1 का पावर 5। अब इसको इसी तरह तोड़ेंगे, थोड़ा लंबा गुना वगैरह होगा, आप निकालना तो सीख ही गए हैं, इसको तोड़ना होगा। तो आप क्या करेंगे, 100 + 2 का पावर 5 और इसको द्विपद प्रमेय पे लगा देंगे। समझ गए, तो अब हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक, अदर सब्जेक्ट लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, कॉल कभी नहीं करेंगे, SMS के द्वारा चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।